अवैध बालू खनन के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बीती रात को भी सिल्ली पुलिस ने सिल्ली टाटा मुख्य मार्ग टुटकी के समीप अवैध बालू लदा एक हाईवा को जब्त कर सिल्ली थाना ले आई है। सिल्ली थाना प्रभारी आकाशदीप ने बताया कि अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी रांची को सूचित कर दी गई है। ज्ञात हो कि बीते 2-3 दिन से सिल्ली पुलिस लगातार रात को अवैध बालू परिवहन के खिलाफ छापेमारी कर रही है, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। फिर भी कई बालू माफिया पुलिस को चकमा देकर अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। सोना न्यूज़ एक रिपोर्ट।